सिमरन, मैं ये बच्चा खोना नहीं चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सिमरन। तुम्हें और अपने बच्चे को अपने घर लेके जाना चाहता हूं सिमरन। तुम यही चाहती हो ना? यही चाहती हो ना? सिमरन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम दया के बारे में भूल जाओगी। बस मुझे इसी बात का डर रहता है कि क्या दया तुम्हें भुला पाएगा। कोई भी आम आदमी प्यार में हार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और दया तो एक गैंगस्टर है। मैं नहीं चाहता कि किसी गैंगस्टर का साया हमारे होने वाले बच्चे पे पड़े। सिमरन, जिस घर में, जिस माहौल में मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं ना, वहां सिर्फ शरीफ लोग रहते हैं। मेरे माँ बाप ने आज तक किसी को गाली तक नहीं दी। अगर उनको पता चला कि तुम्हारा किसी गैंगस्टर के साथ। सिमरन, तुम्हें ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना होगा। सिमरन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सिमरन, अगर तुम चाहती हो कि मैं और हमारा होने वाला बच्चा खुश रहे, तो तुम्हें दया को पुलिस के हवाले करना होगा। सिमरन, मेरी बात सुनो। सिमरन, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इसे फंसाने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए कह रहा हूं। बाहर रहा तो आज नहीं तो कल पुलिस से गोली से मारा जाएगा। सलाखों के पीछे शायद उसे इंसाफ मिल जाए। सिमरन, एक बार सोच लो। सिमरन, सिमरन, नहीं, नहीं कर सकते आकाश। सोच लो सिमरन, एक तरफ हम तीनों की जिंदगी है और दूसरी तरफ दया। फैसला तुम्हें करना है। हेलो सिमरन, सिमरन, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। तुम जल्दी से वहां से निकलो। मुझे सोल स्टेशन मिलो ठीक 10 बजे। दया, सिमरन,
हेलो आकाश है? आकाश इज नॉट हियर, हु इज दिस? देखिए मैं सिमरन बोल रही हूँ, मैंने उसे बहुत ढूंढा। सिमरन बेटे, आकाश सारी रात आपका इंतजार करता रहा। राघवन साहब और उनके आदमी सुबह आए थे, वो उन्हीं के साथ गया है, शायद वो आपको इंडियन एम्बेसी में ही मिलेगा बेटा। हेलो हेलो, सब ठीक तो है बेटा? हेलो हेलो, gentlemen, there's a saying that everything is fair in love and war, and this operation was for both.
love for my country, and war against organized crime. We had to use some not so very nice means to get this man. This is not the only piece of evidence we have. We have 6 more tapes that we produced in court. This operation took us 9 months, and it was very expensive. Now, if there are any Indian journalists who want to ask me any questions, they may do so right now. Mr. Akash, आपने इस जंग को जीतने की शुरुआत कहाँ से की? सावन के महीने में अगर नाग को पकड़ना हो तो नागिन को अपने बस में करना। इस विलन के मौसम में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, और नाग को अपने दिल से बाहर आना ही पड़ता। मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। त्याग को उसके दिल से निकालने के लिए मैंने इस खूबसूरत नागिन का इस्तेमाल। यह दया की कमजोरी थी और मैं इसकी कमजोरी बन गया। दया इसके पीछे दीवाना था और मैंने इसको अपना दीवाना बना दिया। इसका सपना था एक छोटा सा घर बसाना, मेरा सपना था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को मिटाना। बस मैंने इन दोनों सपनों को साथ में मिला दिया और अंजाम तो आप लोगों के सामने ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है आकाश? कभी प्यार नहीं किया, एक पल के लिए मुझसे मेरी बातें करते हुए, मुझे दिलासा देते हुए, मेरे साथ बिस्तर में, मेरी बाहों में, क्या कभी वो एक लम्हा नहीं आया जब तुमने मुझे चाहो? कभी नहीं। नो, नेवर। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, अपना काम कर रहा था, और वैसे भी मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर तुम जैसी घटिया और गंदी लड़की के साथ कैसे प्यार कर सकता है? उस लड़की के साथ जो दया जैसे मुजरिम के बिस्तर की रौनक रह चुकी हो। अरे वो तो हम लोगों का काम ही है कि कभी कभी गंदगी में हाथ डालना पड़ता है हम लोगों को। तुम्हारी आंखों में आंखें डालते वक्त, तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें करते वक्त, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे बिस्तर पर, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर लम्हे में मैं तुमसे नफरत करता था। चुप! मैं तुम्हारे करीब नहीं, अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहा था। उन हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा था जो दया के शिकार हो सकते थे। उन मासूम बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था जो दया जैसे गैंगस्टर के वजह से यतीम हो सकते थे। तुम्हारा बच्चा आकाश, यू विल हैव टू पे फॉर दिस।